आप देख रहे हैं जनमत आवाज। एनएसी की कार्रवाई। ब्राह्मणपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरोशन बाजार में शुक्रवार को हुई युवक की हत्या के मुख्य आरोपी अमर सारवान को लालबाग पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आरोपी के विरुद्ध एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अतिक्रमण में बने मकान को भी तोड़कर आज लालबाग क्षेत्र में आरोपी को घटना स्थल ले जाया गया। जब आरोपी क्षेत्र से ले जाया गया, जब उस दौरान लालबाग पुलिस और एसपी के नाम से जिंदाबाद के नारे लगाए लोगों ने। ब्राह्मणपुर जिले के उपनगर लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरोशन बाजार में शुक्रवार को हुई युवक हत्या के मुख्य आरोपी अमर सारवान को लालबाग पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आरोपी के विरुद्ध एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर लालबाग पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शुक्रवार को शाम पुराने विवाद को लेकर आरोपी अमर सारवान को अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश पिता पंडित तांडे की हत्या की कर दी थी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना लालबाग में मामला दर्ज कर घटना की गंभीरता से देखते हुए आरोपी को गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की घटना के अगले दिन आरोपी अमर सारवान के अवैध निर्माण कर बनाए गए लालबाग स्थित मकान को प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर तोड़ा गया। आरोपी अमर के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। वही घटना की किस प्रकार कारित की इसकी जानकारी आरोपी से मौके पर ले जाकर ली गई। इस दौरान जब पुलिस आरोपियों को क्षेत्र लेकर जा रही थी, इस समय लालबाग पुलिस और एसपी राहुल कुमार जिंदाबाद के नारे लोगों ने लगाए। आइए देखते हैं। साथी लोग जो थे, ऐसे कुल मिला के 5 लोगों ने एक ताड़े करके लड़का था उसके साथ मारपीट करी जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो उसमें 302 का मामला कायम करके आज जो है वो अमर सारवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ एनएसए की कार्यवाही की गई है। एनएसए का वारंट जारी कर उसकी उसमें गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जा रहा है। और साथ साथ में जो अपराध कार्य उसने किया था वहां पर घटनास्थल का मौका मुआयना भी उसकी तरफ से करवाया गया है कि कहां कहां पे उसके द्वारा किस किस तरीके से उसको बुलाया था, कहां पे मारपीट हुई थी और भी जो घटनाक्रम है जो अभी तक अनसुलझा था उसको भी जानकारी मिलाने के लिए पुलिस के द्वारा उसको हर घटनास्थल पर वेरिफिकेशन भी करवाया गया। रीजन क्या था सर मारपीट का? मगर आपस में इनका 1 महीने पहले भी मारपीट हुई थी जिसके अंदर ये जो है ये अवैध शराब का विक्रय भी कर